अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है जिंदगी वही सफर नया। मैं सलमा अजमल हाजरा अजमल के साथ आप लोगों का हमारे चैनल पर वेलकम करते हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं फ्लक्स सीड्स लड्डू। ये बारिश के मौसम में आप इसको डेली एक लड्डू खाकर आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास आ गया है हेल्दी क्रंच वाला, क्या सलमा? फ्लक्स सीड्स। फ्लक्स सीड्स, यस। इसकी अच्छी बुनाई करेंगे हाजरा। तो लड्डू बन रहा है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपकी बुनाई का ही काम है। तो ये 200 ग्राम है। ये भुन करना, इसको टेस्ट करें, इतने जबरदस्त लगते हैं ना ये। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलें सलमा, बुनाई शुरू। हाँ। एक 10 मिनट तक तो इसकी बुनाई करते रहेंगे, करेक्ट? यस, लो फ्लेम पे। अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे, जब तक चटक पटक नहीं करेंगे तब तक। सलमा कम्प्लीटली चटक रहे हैं। हाँ। निकाल दूं? हाँ। तो चलें एक निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 कप तिल लिया है, इसकी भी अच्छे से भुनाई कर इसको भी ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं। तो आज हम देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, कितने चम्मच डालेंगे सलमा? 2 चम्मच। ओके, और ये देखें हमने कुछ इस तरह से काजू का टेक्सचर रखा, टेक्सचर रखा थोड़े बड़े थोड़े छोटे, क्योंकि लड्डू में जैसे जैसे मिलेगा अच्छा लगेगा। तो इसको ऐड करेंगे और इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे एकदम क्रंची होने तक। ओके, तो आराम से 10 मिनट लगेंगे हाजरा, क्योंकि लो फ्लेम पे भुनाई कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से एक जो सलमा को क्रंचीनेस चाहिए वो बना दिए हैं, तो इसको भी डिश आउट कर लेते हैं। तो चलें अभी सेम पैन में और थोड़ा घी इसको ऐड अप करके ये बादाम भी रोस्ट करके मिलते हैं, सेम कुछ इस तरह से। देखें इसको भी 10 मिनट लगेगा आराम से। ओके, चलें फाइनल वाला हमारा खजूर को भी जो है अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। खजूर चटकने लगे हैं इस पॉइंट पर, हम डालेंगे यहाँ पे थोड़े पॉपी सीड्स, खसखस। काफ़ी है सलमा? हाँ, और थोड़े ऐड करेंगे। हाँ, काफ़ी है। ओके, तो चलें इसको भी थोड़ा चटका लेने का मौका देते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद सबको ठंडा करके। ये तीनों रोस्टेड हो गए और ये जो फ्लक्स सीड्स थे इसका पाउडर बना लिया है, और ये जो तिल थी उसका भी पाउडर, और ये कुछ थोड़े से तिल बचाए हैं। तो चलें आगे का प्रोसेस करते हैं। गुड़ को क्या करना पड़ेगा सलमा? इसमें अच्छे से पिघलना है और 2 तार की चाशनी, जैसे ही ये करेंगे ना हाजिरा लेस बनना है। अभी थोड़ा पकेगा ये, ठीक है? ओके, तो चलें पकने के बाद मिलते हैं। तो हमारी 2 तार की चाशनी हो गई है, तो लेस आ रहा है हाजिरा, अगर आप देखेंगे। ओके, हाँ, तो अभी हमारे सारे जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स भुना है इसको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, इसको भी ऐड करेंगे। तो अभी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ओके, नीम गरम में ही इसको बनाना है हाजिरा। ओके, जैसे जैसे ठंडा होगा हाजिरा शेप ले लेगा। तो अभी बंद करेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, ठीक है? तो देखिए मिक्सचर को हमने ट्रांसफ़र कर लिया है ठंडा होने के लिए। तो एक नीम गर्म के और टेम्परेचर पर आने तक इसको ठंडे के लिए छोड़ते हैं, फिर एक अच्छे से लड्डू बना के मिलते हैं। तो अभी थोड़ा गर्म है हाजिरा, और जितना गर्म रहेगा उतना आपको लगेगा कि नहीं बनेंगे लड्डू। तो जैसे जैसे ठंडा होगा अच्छे से शेप पकड़ेगा, ठीक है? तो चलिए सारे ऐसे ही बनाकर मिलते हैं। शाइनी शाइनी लड्डू से सारा शाइनीनेस चला जाएगा सूखने के बाद, अंदर रहेगा मॉइस्चर। यस, तो चलें लड्डू के क्या कहने, और थोड़ा जब एक ठंडे होंगे तो इसमें एक कसक आएगी। यस, हम इसको गर्म गर्म ही रिव्यू करें, बहुत ज़बरदस्त से बहुत फाइनेस्ट लड्डू कह सकते हैं हम लोग। यस, इतना फ्लक्सीड ना मुँह में अपना एक जादू छोड़ देता है, उतने ज़बरदस्त बनते हैं। वो कहते हैं ना कोई चीज़ आप करो, कोई चीज़ खाओ तो उसका जायका, वो चीज़ कुछ स्वाद छोड़ जाता है। हाँ। वो काम ये लड्डू आपको कह सकते हैं, ये खाकर एक गिलास दूध, दैट्स मोर इनफ आई गेस। तो बहुत अच्छे, एक बहुत से हेल्दी लड्डू सलमा ने शेयर किए हैं, ना इसमें शक्कर गई है, ना कोई भी वो वाला मिक्सिंग वाला एडअप नहीं हुआ है। कम्प्लीटली आपको एक हेल्दी रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी शेयर की है। जो कोई भी डाइट के शौकीन है वो भी इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, और जिस किसी को भी जोड़ों में दर्द, ये दर्द वो दर्द जहाँ पे भी होता है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो
और बहुत आराम से खाएं। हाँ, सख्त भी नहीं होते हैं बाद में, है ना। जल्दी 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 खा लियो, नहीं आराम टाइम दे दे कर चबाएं। तो एक था तो बहुत अच्छे, एक लड्डू की रेसिपी सर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ज़रूर फ्लक्स सीड घर पे लाएं, आराम से स्मार्ट बाजार में अवेलेबल हैं शिमोगा लोगों के लिए। अगर नहीं आए तो ऑनलाइन भी आप बना सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो चलें इस नोट पर हम दोनों यहाँ पर साइन करते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। और इंस्टा पेजेस जिंदगी वही सफर है। चलते हैं, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।